दमोह जिला जेल में हत्या के प्रयास के मामले में 7 साल की सजा काट रहे तोताराम काछी नाम के कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो जाने के बाद में आज जहां मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए, वहीं पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों ने अंबेडकर चौक पर शव रख कर चकाचौंध शुरू कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसका ये बताओ आप हमें, कौन जिम्मेदारी ले रहा, कौन जिम्मेदारी इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को परिजनों को, कौन जिम्मेदारी ले रहा बताओ आप। थानाशाही चल रही है लगातार इस शासन प्रशासन की, क्या मामला है? हमारी मामला यह है कि हमारे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है जेल में, 4-5 दिन पहले से बीमार थे, ना इनको कोई इलाज किया गया है, और इलाज दवाई लेने जाते थे जेल में जो डॉक्टर होता है तो वहाँ से पैसे की मांग की जाती, 10,000 रुपये लेके आओ जब इनका इलाज होगा, तो कल वो आना था जेल के लिए, रात में तबियत बिगड़ी परसों इनकी तो लेके नहीं आए, कल भी तबियत बिगड़ी जब खत्म हो उसके बाद जेल में लेके जेल से इधर लेके आए, और उसके बाद हमको 6 बजे फ़ोन किया था करीबन, जब सब ग्रह रख लिया था कि आपकी पिताजी की मृत्यु हो गई आप यहाँ पर आए, हम लोग आए तो यहाँ पर देखा जेलर साहब ने बुलाया था, जेलर साहब भी यहाँ गए तो हमारे परिजनों से मुलाकात हुई, परिजनों ने बताया है कि 5-6 दिन से बीमार थे, इनके लिए एक इलाज के लिए बोला था, कोई दवाई नहीं दी गई, पैसे की मांग कर रहे थे कि पैसे लाओ, अभी परवेज खान और हबीब खान है ये पैसे की मांग करे 10,000 रुपये की, पैसे लाओगे जब इलाज होगा इनका। अब आप लोगों की क्या मांग है? अब हम लोगों की मांग शासन प्रशासन इधर आए और हम लोग उचित कार्रवाई करें, जो दोषी है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और हमारे घर परिवार में कोई नहीं बचा है, 7 जन जेल में, 1 जन थे पिताजी तो ये खत्म हो गए, तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर परिवार में, उनका पालन पोषण के लिए कुछ मुआवजा शासन से मिले। जिला अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक चकाजाम जैसे हालात से जहां आवागमन में असुविधा के हालात बने रहे, वहीं तहसीलदार मोहित जैन ने आकर परिजनों को समझाइश दी कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए हैं, जांच में सब आ जाएगा, इसके बाद भी जब परिजन नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके यहां पर नेतागिरी कर रहे लोगों को पकड़ने में देर नहीं की, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ के हालात निर्मित होते दिखे और इसके बाद ही जाम समाप्त हो सका और सबको परिजनों के गाँव भेजा गया।